समझी नहीं जाती, सिर्फ उनकी हिम्मत देखी जाती। हमारे भाई से टक्कर लेने की ना करना गलती, बेटा खाली इनकी आवाज सुने तो अच्छे अच्छों की फरियादी चल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माशाल्लाह गुड सेल। द ग्रेट मास्टर स्टॉक्स का 9th वाला एपिसोड है जिसमें तन्नू भाई से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। माशाल्लाह बेहतरीन शौक है तन्नू भाई का, वो बताने वाला हूँ। कुश्तियों में बहुत नामचीन है भाई, और तन्नू भाई अमीर पेट वालों का वीडियो बनाओ बोल के मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी। कई लोग जो है मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, तो डिसाइड करा तन्नू भाई का वीडियो बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम तन्नू भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपका नाम बहुत सुना मैं, हर कोई बोल रहे थे आपका वीडियो बनाओ, और आपके फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत है, आपके चाहने वाले बहुत है माशाल्लाह। जैसा कि स्टार्टिंग में मैं एक ऑडियो भी चलाया सॉन्ग का, तो वो भी आप देखें। तन्नू भाई आपका शौक़ कब से है माशाल्लाह? ये 8 महीने 10 महीने से। अरे तन्नू भाई की आदत है मजाक करते रहते, और मैं आपका एक फेमस डायलॉग भी सुना, वो कुछ चटनी है कुछ आप बोलते ना, चाकना और चटनी कुछ हो। हाँ, सब ये वो खिलाते पिलाते बोलते हैं। अच्छा, बोलते हैं पाशा भाई का चाकना कलीम भाई की चटनी खिलाते। जी जी, यानी आपकी डाइट बताना नहीं है, किसी को छुपाना है, तो ये वाला डायलॉग है। और मैं फर्स्ट टाइम जो सुना वो डायलॉग आपका, बहुत जो खिलाते बोले तो वो नहीं मानते ना लोग। मामड़ा मैडम 4,500 रुपए किलो रहता, वो खिलाते। जी जी, लोगों के सर पे से जाते बताते, तो इसलिए शॉर्टकट में बोल देना लोगों को। अच्छा अच्छा, तन्नू भाई आपका शौक कैसा आया इसमें बकरों में? आपका आपकी मसरूफियात तो अलग है। हाँ। लेकिन ये इसमें शौक कैसा आया आपको? ये बकरों के सिंह अच्छे दिखते बोल के जो से ले लेके पालने के फिर से थोड़ा आप सही बोल दिए तो अच्छा रहेगा मेरे व्यूवर्स को। आपसे जो है मोटिवेशन है। अच्छा। यानी आपको चाहने वाले हैं, तो आपके बारे में जानना चाहते कई लोग हैं ऐसे, जो आप अच्छा बोले तो और अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए। जी कुछ नहीं है, बकरे लड़ते हैं, अब बकरे लड़ना छोड़ के इंसान लड़ ले रहे। अच्छा। हाँ, इसलिए जो बकरों का लड़ने का शौक खत्म हो गया थोड़ा। जी जी, अभी कई जोड़ हो गए आपके, यानी कितने हुए कुछ एक अंदाज़ा? 40-45 जोड़ हुए। 40-45। हाँ। और आपके ख़ास बकरे कौन से हैं भाई? मेरे ख़ास बकरे मर गए, काट दिया हुजूर के नाम पे, काट दिया। अच्छा। शायद वो धनुष मोस्टली जो नामचीन बकरे हैं आप बाद में कटाई देते हैं उसको? कटाई देते हैं। हाँ, रखते नहीं। और कितने साल जो है अपन शौक करते हैं उसका? आता है 5-6 साल तक आता बकरा एक काम को। अच्छा। अभी जो हुजूर के नाम पे शैडो काटा, अभी 1-2 साल आता था काम को। वो धनुष जो आ रहा है, धनुष भी 1-2 साल आता था काम को। जी हाँ, वो कालिया बकरे था, उसकी उम्र हो गई थी। अच्छा, तो आपका सबसे खास बकरा कौन सा है जो आपके दिल को लगा बहुत? अभी एक रैनो बोल के है यहाँ पे सामने। अच्छा, कौन सा बोल रहे हैं आप? रैनो बोल के है बकरा, वाइट सिंह वाला। हाँ जी, जोड़ में अच्छा है ये? अच्छा है। और ये कर्नाटक से एक मंगाया, कि ये भी अच्छा लड़ता। अच्छा, वो ये भी रामपुरी है ना? रामपुरी है, कर्नाटक का है। दाना पानी चल रहा अभी इनका। ये कर्नाटक से आप मंगाए सो है? कर्नाटक से मंगाया, मैंने लड़ाया उसको। अच्छा अच्छा, टोटल कितने हैं प्रेजेंट अपने पास जानवर? अभी 22 मेरे पास है, 7-8 बकरे बाहर हैं। अच्छा अच्छा, और मेरे को अच्छा लगा आप आपके पास ही जानवर कटाते, अपने शौक के जानवर आप कटा रहे, तो आपका दिल कैसा बढ़ रहा है एकदम, यानी आपके खास दिल को लगे हुए जानवर हैं, आप बाहर से भी लाके बेच सकते थे, कटा सकते थे? नहीं नहीं नहीं, अपना जानवर किसी को देने का नहीं रहता ना, आज तक कोई भी किसी को ने मेरा जानवर नहीं दिया। जी जी। हाँ, बकरीद को मिला तो नबी को वाली सब की बरसी की जरूरत पड़ती, और उल्टा और खरीदना पड़ता शौकीनों से बकरे मेरे को। अच्छा, तो आप शौक के ही बकरे कटाते कुछ ऐसा जंगल के बाहर के नहीं? शौक के बकरे कटाते। अच्छा अच्छा, खाए हुए रहते ना? जी जी। तो भाई अभी जो जोड़ के लिए अगर किसी को है रिक्वायरमेंट, तो किसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर जोड़ लगाना चाह रहे अपने बकरे की? हमारे कहना खैसर भाई हमारे। अच्छा। और एक मल्ली बोल के है। जी जी, दोनों से। अच्छा। हाँ। तो अगर जोड़ का है तो कांटेक्ट कर सकते कोई भी? बिल्कुल जी।
तो अब तक का जो प्रेजेंट वाला बकरा है वही आपका खास है, यानी पहले के ऐसा कुछ नहीं? नाम इतने नामचीन बकरे है ना, वो तो कट गए ना। अच्छा, वो शैडो था, एक धनुष बल के था, एक कालिया बल के था। अच्छा, तो आपके साथ फ्रेंडली रहते थे? नहीं नहीं, बकरा का कभी किसी से फ्रेंडली नहीं रहता, बकरे का मजाक ही, लाड़ भी मारना चाहिए, मजाक भी मारना चाहिए उसको। जी जी। अच्छा, लास्ट में और एक बार पूछना चाहूँगा, जो एक्चुअल में डाइट है वो तो चटनी चाकना है तो आपकी खास डाइट बताइए, मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको फायदा होगा इंशाल्लाह। पर्सनल में फोन करके पूछे तो बोलेंगे। अरे ठीक है, चलो मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप इंटरव्यू दिए, और भी बहुत सारे सवाल थे आपसे पूछने के, लेकिन आप बिजी भी है, थोड़ा टाइम की भी जो है पाबंदी है, तो रिमेनिंग इंटरव्यू जो है कैसर भाई से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हाँ कैसर भाई, आपसे थोड़े से और भी क्वेश्चंस थे, जैसा कि जोड़ के रिलेटेड, मैं भाई से वो नहीं पूछ सकता, वो सब आपसे पूछना चाहूँगा। तो अपने जो है जोड़ के रूल्स क्या है जोड़ के लिए दे रहे? अब रूल्स क्या है बोले तो देखो, अब अपने कने छुट्टी के भी है, लंबी के भी है। अच्छा, अब जैसा बोले वैसा अपने कने दो दास से लेके ओपन तलक बकरे हैं। अच्छा, अब बाहर वाले को जैसा रूल्स होना है वैसे रूल्स के बकरे भी है अपने पास। तो नए लोग को जो है छुट्टी और लंबी के बारे में पता नहीं रहता, कोई नए शौकीन है, तो उसका मतलब क्या है बोल सकते? मतलब बोल तो, अब देखो थोड़े बकरे क्या है ऊपर ऊपर गिरते हैं। अच्छा, तो उसको अपन क्या है आठ आठ दस दस कदम खींच के लड़ाते हैं लंबी टाइप में जाता है। अब जैसा कि अब लंबी बोले तो पल्ला लेके वो पीछे जाके आता था। लंबी बोले तो बकरे को लेके जाना पड़ता है लाइन डाल। अच्छा अच्छा, आठ आठ दस दस कदम लेके जाके छोड़ना पड़ता। अब छुट्टी बोले तो अपना बकरा मुंह मिला के छोड़ना पड़ता। अच्छा, पल्ला हट के लड़ा तो जरा देखने भी अच्छा रहता, एंटरटेनमेंट भी होता। अच्छा, अगर ऊपर ऊपर गिरा तो बकरा खराब हो जाता। तो अपने पास वो पूरे बकरे है बोलो, छुट्टी के भी पल्ले, खाली जोड़ देने वाला हो ना अपने को बस। अच्छा, तो आपसे कांटेक्ट कर लें अगर चाहिए तो। आप बकरे कैसे रहना, कुछ है क्या ऐसा अपना ऑप्शन? ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कंडीशन बकरा ये वेट पे होना, जो वेट से छोड़ते। अच्छा, अपना जो वेट का बकरा रहेगा वो वेट से छोड़ेंगे समझो। अच्छा, तो एक बार आपके बकरों का व्यू बता दो मेरे को, अपन बता देंगे जितने अपने पास बकरे हैं, तो लोग देख के वो भी खुश होंगे अपने शौक के बारे में। सिंह की क्वालिटी बताएंगे जानवर की, भाई को सिंह भी बहुत पसंद आते बकरों में, तो ये भी सिंह बताएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बता। चलिए, ये सबसे पहला वाला बकरा है कोई जोड़ के लिए देना चाह रहे आप, तो इसका नाम क्या है? रोबोट भाई। रोबोट, क्या वेट पे है भाई ये? 65 तक आता हूँ। 65 kg, रामपुरी ब्रीड में है ना? हाँ, रामपुरी। सिंह की क्वालिटी एक बार बताएंगे, इसकी थिकनेस माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बच्चा है, खजूरी कान में आता ना। हाँ। 65 kg लाइफ वेट में है। हाँ। वाह, शौक के बकरे आप देखें, ऐसे बकरे रहते शौक के, क्वालिटी पाल रहे आप, तो क्वालिटी ऐसी होती आगे चल के। आप नॉर्मल बकरे पालने से अच्छा है क्वालिटी पालें, तो आपको आगे चल के फ़ायदा भी है, आपका नाम भी होने वाला है। आप ये देखें माशाल्लाह सिंह की क्वालिटी, ब्लैक एंड वाइट कलर, अंधेरा है थोड़ा सा, आपको कम लग रहे होंगे, सुबह में मैं वीडियो नहीं निकाल सका किसी रीज़न से। तो इसके बाद जो है सेकंड वाला देखते हैं, इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल देखो, इसका नाम धनुष रखे भाई। धनुष। हाँ। तो आपका पुराना बकरा भी एक था ना धनुष? हाँ, नाम से था। वो भी बहुत नाम का बना बकरा जी, इसको अभी नाम धनुष रखे। अच्छा, फ्रेश ओपन है इन्हें भी, इसका 45-50 आएगा वेट, इसको भी जोड़ दे सकते। अच्छा, ये भी रामपुरी ब्रीड में है, और अभी कुछ जोड़ लड़ा सो है कुछ? अभी ये जोड़ एक लड़ा था, वो ड्रा हो गई, अभी तो खालिस है भी फिलहाल, जोड़ के लिए अप्रोच कर सकते हैं इसकी। ये साइड में आपको 6 से 7 जानवर दिखेंगे, और क्या डिटेल है इसकी? इसका नाम तो देखो रैनो है भाई। रैनो, फ्रेश ओपन है जी। 60 ये भाई का सबसे खास बकरा है प्रेजेंट जो चल रहा जी। 60 वेट आता, जोड़ चाहे तो दे सकता कोई भी। अच्छा, सिंह की क्वालिटी बताएंगे, इसकी मोदला बच्चा है। हाँ। वाह, ब्राइनो नाम है इसका। ये भी तैयार हो रहा अपने पास? हाँ। ये बच्चा अपकमिंग लगते खा बोल के इसका नाम। अच्छा। हाँ भाई। ये जोकर, ये जोकर है। ये विलायती है ना? विलायती जी। एक बार इधर से बताएंगे, साइड उजाला ज्यादा है। इसका नाम जोकर है। जोकर। हाँ।
अच्छा, इसको भी दे सकते जोड़ा। ये क्या वेट पे है? इन्हें 55 आता। 55 केजी लाइफ वेट में है, माशाल्लाह बहुत एग्रेसिव है यहाँ। हाँ अच्छा, चलिए आगे चलते हैं और वो भी कवर करेंगे। कटला बच्चा भी है आपके पास, इसका कुछ अलग नाम था ना, जामुंडा। जामुंडा बोल रहे हैं भाई, लेकिन कुछ और भी नाम है ना इसका? इसको दो नाम आप पुकारते हैं। अच्छा, जामुंडा प्लस टर्बो बोलते हैं। टर्बो टर्बो हाँ, हाँ। ये भी बहुत पुराना बकरा है भाई का। हाँ, यानी जो पहला बकरा था वो रिसेंटली कटा है, उसके साथ का बकरा है ना? हाँ हाँ। वाह, आप ये क्वालिटी देखें, बहुत तेज है भी। हाँ, बहुत तेज। इसे डर हो रहा सामने जाने के लिए भी, इसको करीब से बनाएंगे वो। जी, क्या वेट पे ये? ये आता है 60 प्लस आता। 60 प्लस रहेगा, ओपन पेन है? हाँ, ओपन पेन। अच्छा, और ये क्या डिटेल है? कटला बच्चा जो कर्नाटक से मंगाए हैं, कर्नाटक से मंगाए हुए हैं। अभी तो इसकी जोड़ नहीं हुई फिलहाल, इंशाल्लाह इसको भी देंगे जोड़। कोई भी है तो आके बात कर सकते हैं अपने से। वेट दांत? वेट तो फ्रेश ओपन है, ये भी ओपन पे है। फ्रेश ओपन पे है। मोस्टली जो अपने फाइट के कुश्ती के बकरे आते हैं तो पूरे ओपन पे ही रहते ना? ओपन पे रहते जरा खेलते अच्छा, प्लेफुल रहते। स्पोर्ट्स की भी अपनी एक दुनिया है और नाम अच्छा होता है स्पोर्ट्स में भी। मैं स्पोर्ट्स एकदम प्रमोट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, फिर भी सभी जो शौकीन हैं सबको एक जगह करके बताना चाह रहा हूँ उनके बारे में, एक सीरीज चला के। और सबसे लास्ट वाला ये भी एक कटला बच्चा है, दो दांत पे कटला। ये सिर्फ दो दांत पे, दो दांत फ्रेश, दो दांत पे। वाह, चाहे इसको भी जोड़ देने वाले हैं कोई तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दो दांत के भी बकरे हैं बोले, 35 से 40 केजी तक आता है। जी, सिंह इसके भी अच्छे हैं। हाँ, तो वन ऑफ द फेवरेट भाई का जो बकरा है सुल्तान ये वाला बकरा है, वो कहाँ का? नेपाल का चैंपियन है। अच्छा, तो अपने पास आने के बाद हुई कुछ जोड़? एक जोड़ हुई। अच्छा, ऐसी हुई समझे, नॉर्मल समझे, नॉर्मल खास में हुई। इंशाल्लाह अभी तैयारी कर रहे हैं, एक बार सामने से बताइए इसको, बहुत एग्रेसिव बच्चा है। तैयारी चल रही इसकी भी, दे सकते कोई भी जोड़। कॉन्टेक्ट नंबर तो आपको दे दिया मैं। जी जी, क्या वेट पे बकरा है? इन्हें 65 आता। 65 पे है, ओपन पे है? ओपन पे आए तो कांटा भी करा देते, आपके सामने दिखा देते। अच्छा, सुल्तान बोलते, सुल्तान नाम है इसका, जैसा नाम वैसा स्ट्रक्चर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर का बकरा है। ये और एक बकरा है जो हेवीएस्ट वेट का है, और इसकी डिटेल्स क्या है भाई? ये जो सो 6 दांत पे फ्रेश 6 दांत है, 4 से 6 हुआ। अभी इसका नाम कालिया 2 है। कालिया 2 कालिया बकरा भी अपने पास का ही था ना पहला? अपने पास का ही था। अब कालिया साहब बोल दो, जो मुंह पे चंदा आएगा बड़ा कहना का तो कालिया कालिया बोलते हैं सब, कालिया नहीं होते, ये कालिया है। तो अच्छा, एक्चुअल में ये उसकी ब्रीड का ही है? उसकी ब्रीड का है कालिया की। अच्छा, माशाल्लाह बहुत नामचीन बकरा है आपका, कालिया बकरा हो बहुत नाम। चाऊस बोल के हमारे दोस्त है जी, उन्होंने लाके भरने लगे। तो रात का टाइम है, हो सकता है थोड़ा आपको धुंधला लगे। जानवर ब्लैक कलर में है, मच्छा है ना ये? हाँ, कल्ले पे। हाँ, और क्या डिटेल है भाई इसकी? इसका नाम देखो भाई, पैंथर है। अच्छा, क्या वेट पे है? इन्हें 55 पे है, 55 पे 50। अच्छा, तो जोड़ के लिए आपको नाम के हिसाब से भी अगर पूछे पैंथर से जोड़ होना है? अभी तो इसकी जोड़ बैठे हुई है, हाँ हाँ इंशाल्लाह हो जाएंगी, ये वीक में हो जाती जोड़, तो फिलहाल बैठे हुई है इसके लिए। अच्छा, कुछ रिवील कर सकते कितने की हो सकती है जोड़ ऐसा कुछ? अभी होती या 50,000 से 1,00,000 रुपए, 10,000 भी है। अच्छा, ये 5,000 से कॉमन है, ऐसा कि हम ना पैसों के वास्ते नहीं लड़ाते बकरे। अच्छा, शौक है, सिर्फ शौक के लिए, पैसे मायने नहीं रखते, पैसे मायने नहीं रखते, भाई का शौक है जी। आगे वाला कितना बड़ी बात कर रहा पैसों की, तो जान तलक बोले वहां तलक। अच्छा, वहां तक हो जाएगा जा सकते, ठीक है। इसको अच्छा करना है सिंह, तो तेल कौन सा छोड़ना है उसमें कुछ पता है? अब सरसों का रहता है उसमें भाई, हमारे कुछ अलग से मंगाते। अच्छा अच्छा, अब वो मजबूती के लिए, वो भी अलग बात है, अलग से मंगाते वो बताने का नहीं है बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। आपका स्टॉक बताने के लिए, इंशाल्लाह कोई इंटरेस्टेड है तो कॉल करेंगे। आज की जो वीडियो है अपनी, मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसी तरह के डेली वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए भाई चैनल को।
और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।